गांव में यहाँ पे लखनपुरा में मौजूद। एक समय पहले आप देख रहे होंगे कि जो गौवंश होते थे वो काफी परेशान हुए थे, किसानों की फसलें भी काफी नुकसान होया करती थी, और आज के समय में आप हालात देखेंगे तो जगह जगह यहाँ पे वाहन भी यहाँ पे निकल जी जी क्या नाम है आपका चाचा? हमारा सुख सिंह यादव। सुख सिंह अच्छा प्रधान। अच्छा ये बताएं आप हमें कि भाजपा सरकार ये कह रही है कि गायों की सेवा भी की जा रही है, उनके लिए रख रखाव सुरक्षा की व्यवस्था भी कराई जा रही है। और कहाँ से हैं बताएं तो? इंडिया दबंग न्यूज में लिखे। अच्छा तो गायों को लेकर क्या कुछ हाल है, किस किस स्थितियाँ गायों की बनी हुई है? गाय सड़कों पर घूमती थी, आज की तारीख में गौशाला में बढ़िया गाय है, और हमारे यहाँ भी गौशाला खुली है भोसल में। हाँ। और गौशाला बहुत उपलब्धि है, बढ़िया खान पान। इस समय हम जनपद ललितपुर के विकास खंड गांव में यहाँ पे लखनपुरा में मौजूद है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस समय अभी हम नेशनल हाईवे पर मौजूद है, और एक समय पहले आप देख रहे होंगे कि जो गौवंश होते थे वो काफी परेशान होया करते थे, किसानों की फसलें भी काफी नुकसान होया करती थी, और आज के समय में आप हालात देखेंगे तो जगह जगह गांव में गौशाला भी खोली गई है और उनकी सुरक्षा भी की जा रही है। तो आज यहाँ पे हम जाने के लिए ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ गौवंशों का हाल है और किस तरह गांव की कोई सेवा यहाँ पे हो रही। देख सकते हैं कि इस समय हम अभी नेशनल हाईवे के बीचों बीच यहाँ पे अभी हम पहुंचे हैं, और अभी इस समय हम गांव के नजदीक यहाँ पर हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे कि वाहन भी यहाँ पे निकल जी जी क्या नाम है आपका चाचा? हमारा सुख सिंह यादव। सुख सिंह अच्छा प्रधान। अच्छा ये बताएं आप हमें कि भाजपा सरकार ये कह रही है कि गायों की सेवा भी की जा रही है, उनके लिए रख रखाव सुरक्षा की व्यवस्था भी कराई जा रही है। और कहाँ से हैं बताएं तो? इंडिया दबंग न्यूज में लिखे। अच्छा जी तो गायों को लेकर क्या कुछ हाल है, किस किस स्थितियाँ गायों की बनी हुई है? गाय सड़कों पर घूमती थी, आज की तारीख में गौशाला में बढ़िया गाय है, और हमारे यहाँ भी गौशाला खुली है भोसल में। हाँ। और गौशाला बहुत उपलब्धि है, बढ़िया खान पान सब व्यवस्था बढ़िया है, और हमारी भोसल की गौशाला में तो लगभग 10 से 15 लीटर दूध भी निकाला है। अच्छा, पहले एक समय पहले जो सड़कों पे गाय घूमा करती थी, किसानों की फसलें भी नुकसान होती थी, अब कोई गाय घूमे ये, और हमारे ये नजारा भी देखा जाता था, शायद आज भी लगभग देखा जा रहा होगा, कई कई शिकायतें भी आती हैं जी, कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण कुछ लापरवाही, आपके यहाँ पे क्या भूमिका थी? हमारे CDO साहब तो इतना है कि हमारी गौशाला में आके आधा आधा घंटे बैठते हैं और ये पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, बढ़िया चल रहा है। ये घर आपका है? हमारा मकान है। तो इस समय हम अभी यहाँ पे लखनपुरा गांव में मौजूद है, और यहाँ पे ग्राम प्रधान जी का ये यहाँ पे निवास है, और नेशनल हाईवे यहाँ से निकला हुआ है, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर तो तमाम व्यवस्थाएं की जाती है और बातें भी कही जाती है, और बात करें आप हकीकत की तो क्या कुछ जमीनी हकीकत देखने को मिलती है, यह आप खुद अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और गांव के बीचों बीच भी ले चलेंगे, और लोग बातें क्या कुछ कहते हैं, किस तरह व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त देखने के लिए मिलती है, और क्या कुछ अधिकारियों की भूमिका, और शासन प्रशासन शासन की भी बात करें तो उनकी भी क्या कुछ भूमिका देखने को मिलती है, वो भी हम जानेंगे।